फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किचन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जो कि आपका समय और आपका पैसा दोनों की ही बहुत ज्यादा बचत करेगा। तो टिप नंबर वन है यहाँ पर ब्रेड से रिलेटेड। अगर आपके पास जो ब्रेड है वो बासी हो जाती है, बच जाती है, तो उसको इस तरह से हाथों से तोड़ लीजिए आप। इसके बाद में उसको मिक्सी के जार में डालकर आप उससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जिसको कि आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, हाथों से तोड़कर इसको मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। पल्स करते हुए हमें इसको पीसना है, तो आपको यहाँ पर एक कोट सा पाउडर मिल जाएगा और उसको आप थोड़ा सा धूप में सुखा लीजिए, और सूखने के बाद में आपके ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसको कि आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बर्गर के लिए टिक्की बनाना चाहते हैं तब भी उसमें काम आएंगे। अगर आप कोई भी कटलेट बनाना चाहते हैं, वेज कटलेट हो, नॉन वेज कटलेट हो, तो बहुत ही बढ़िया उससे कोटिंग आएगी, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई बड़ी सी प्लेट ले लेनी है, कोई थाली ले लेनी है, या फिर आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं और इसमें दूर दूर इस तरह से फैला दीजिए। एकदम पतली सी लेयर हमें इसकी फैलानी है। इसके बाद में आप इसको धूप में रख दीजिए, तो देखिए 10 से 15 मिनट के अंदर ये ब्रेड क्रम्स आपके बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, और हाथों से जब आप उसको चूर चूर करेंगे ना, तो इतनी आसानी से चूर चूर होंगे कि आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ब्रेड क्रम्स आपके तैयार हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मैंने ब्रेड क्रम्स बनाकर मैं रख लेती हूँ घर में, और देखिए 10 मिनट के बाद में ये देखिए आराम से ये चूर चूर हो रहे हैं। तो ब्रेड क्रम्स इस तरह से बना लीजिए आप, और चाहे तो एक बार मिक्सी में आप एक बार पल्स कर सकते हैं, ताकि सारा जो हमारा पाउडर है एकदम यूनिफॉर्म हो जाए। तो देखिए ये है ब्रेड क्रम्स, तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम। चलिए आइए शेयर करती हूँ मैं टिप नंबर टू। तो टिप नंबर टू भी बहुत ज्यादा काम की है, तो आपकी मेहनत बचाएगी, आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा बचाएगी। तो सबसे पहले देखिए, नारियल अगर आपको तोड़ना हो तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, एड़ी से लेकर चोटी तक का आपको जोर लगाना पड़ेगा, और लेडीज़ लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता था। पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो इस तरह से जब हरा नारियल आता है, पानी वाला नारियल, तो उसकी जटाओं को सबसे पहले आप अलग अलग कर दीजिए। इसके बाद में जो इसकी आई होती है, यानी कि तीन आँखें होती हैं, उसको आपको ढूंढना है, और स्क्रू ड्राइवर से यानी कि पेचकस से या फिर किसी भी नुकीली चीज से इस तरह से छेद कर लेना है, और पानी जो होता है नारियल के अंदर उसको आपको सबसे पहले निकाल लेना है। तो सारा के सारा पानी हमने निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी फाइबर नहीं है, तो अब आप इसको गैस पर रख दीजिए। आपको डायरेक्टली इसको गैस की फ्लेम के ऊपर रखना है, और आपको क्या करना है, लगभग इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पर घुमा घुमा कर सेकना है, जब तक कि इसमें चटकन नहीं आ जाती, जब तक कि इसमें क्रैक्स नहीं आ जाते। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्रैक्स आ चुके हैं, तो अब आप इसको फोड़ सकते हैं, थोड़ा ठंडा करके इसको फोड़ लीजिए, आसानी से ये टूट जाएगा, और आप देखेंगे कि इसका जो व्हाइट पार्ट है वो पूरा की पूरा कोकोनट शेल से अलग हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान तरीका है शेल को अलग करने का कोकोनट से, बहुत आसानी के साथ आप इस तरह से छील सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टिप नंबर थ्री, जो कि है सूप से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में हम वेजिटेबल सूप बनाते हैं, चाइनीज सूप बनाते हैं, या फिर टोमेटो सूप बनाना हो, कोई भी सूप आपको बनाना हो, तो उसके लिए आपको जरूरत होती है वेजिटेबल स्टॉक की। घर में तो वैसे हम पानी डालकर बना लेते हैं, पर अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल वाला सूप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप बची हुई सब्जियों के डंठल ले लीजिए। पत्ता गोभी मैंने लिया है, थोड़ा सा प्याज लिया है मैंने, यहाँ पर गाजर का थोड़ा स्टेम लिया है, थोड़ा सा मैंने ब्रोकली का स्टेम ले लिया, थोड़े से खड़े मसाले ले लें, जिसमें 8 से 10 काली मिर्च के दाने हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 2 तेज पत्ते हैं, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। तो इस तरह से जो भी सब्जियां आपके पास हों, थोड़े से खड़े गरम मसाले लेकर सभी को पानी में, 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए उबाल लीजिए। इसके बाद में आप जो उसका एक्सट्रैक्ट होगा उसको आप सूप में यूज कीजिए, तो आप देखिएगा आपका सूप कितना टेस्टी बनेगा। और ये जो सारी सब्जियां हैं, जो डंठल है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले से धो लिया था, और इसके बाद में आप इसको सूप बनाने में यूज कीजिए। थोड़ा सा नमक भी चाहे तो डाल सकते हैं और इसको उबलने दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आम के आम है और गुठलियों के दाम है, कोई भी चीज हमें फेंकनी नहीं पड़ेगी, तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, टेस्ट भी आएगा, न्यूट्रिशन भी आएगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो सूप देखिए बहुत ही बढ़िया बनेगा अगर आप इस वेजिटेबल स्टॉक से बनाएंगे। तो चलिए आइए शेयर करती हूँ मैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 भी बहुत ज्यादा काम की है। अगर आपको घर में सांभर बनानी हो, अगर आप खट्टी मीठी चटनी बनाना चाहते हैं, इमली की चटनी, तो उसके लिए इमली को आपको सबसे पहले भिगोना पड़ता है, बाद में मसल मसल कर आपको उसका पल्प निकालना होगा, तो हर बार आपको वही काम करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा सी आप इमली लेकर उसमें गर्म पानी डाल दीजिए, लगभग 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, इसके बाद में हाथों से मसल मसल कर इसका सारा पल्प अलग कर लें।
अब इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। तो सारा गूदा, सारा के सारा पल्प इस तरह से जब गर्म पानी में डालकर आप अलग कर लेंगे, इसके बाद में सभी को छान लेंगे। इसके बाद में इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे और फ्लेम को लो मीडियम या मीडियम रख के इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जो हमारा मिक्सचर है तरी को छोड़ना नहीं लगता। तो इस तरह से टैमरिंड पल्प आप घर में बनाकर रख सकते हैं और बस एक से दो चम्मच आप लीजिए, सांभर में आप डालिए। आप दाल अगर बना रहे हैं, कोई भी दाल बना रहे हैं, खट्टी मीठी दाल भी बनाई जाती है, गुजराती दाल बनाई जाती है, जिसमें भी आपको यूज़ करना हो तो आप इस टैमरिंड पल्प को यूज़ कर सकते हैं। पूरे 6 महीने तक फ्रिज में ये चल जाती है। तो ये देखिए हमारा टैमरिंड पल्प तैयार हो चुका है। इसको आप किसी भी कांच की बॉटल में या फिर प्लास्टिक के बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो चलिए आइए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लास्ट और बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही काम की टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडियन रेसिपी। तो साउथ इंडियन रेसिपी एक्चुअली साउथ इंडियन रेसिपी नहीं है, टिप है बहुत अच्छी, जिसमें क्या होता है कि जब भी हम डोसा बनाना शुरू करते हैं तो दाल को हम भिगोते हैं, दाल चावल हम भिगोते हैं, तो फर्मेंटेशन जल्दी नहीं हो पाता, अच्छा नहीं हो पाता। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 1 चम्मच आप दाल और चावल के साथ ही 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें, ओवरनाइट सोक होने दीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, लगभग 12 घंटे के लिए आप इसको इस तरह से फर्मेंट होने दीजिए। देखिए कितना बढ़िया फर्मेंटेशन होगा और उससे इडली बनाइए, आप डोसा बनाइए, कुछ भी बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये थी हमारी किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, आप भी इनको फॉलो कीजिए और अपना टाइम और अपना पैसा दोनों बचा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।